प्रेजेंट अगर बात की जाए तो वाटर लेवल हो चुका है यहां पे 137.30 फीट। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक रूलिंग दी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे वाटर लेवल जो है वो 142 फीट तक रेस किया जा सकता है बट स्टिल केरला की जो गवर्नमेंट है वो इस राइसिंग वाटर लेवल को ऑब्जेक्ट कर रही है इस पे ऑब्जेक्शन उठा रही है नाउ ये समझने के लिए कि केरला के क्या कंसर्न्स हैं केरला गवर्नमेंट क्यों इसे ऑब्जेक्ट कर रही है हमें पहले समझना होगा कि ये मुलापेरिया डैम लोकेटेड पे है सो हियर इन दिस स्लाइड यू कैन सी अ पिक्चर जहां पे है हमारा स्टेट ऑफ केरला एंड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु तो ये स्टेट ऑफ केरला में यहाँ लोकेटेड है आपके वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में ही यहाँ पे एक प्लेस है एक्चुअली हिल्स हैं जिन्हें कहा जाता है शिवगिरी हिल्स ओरिजिनेट so होती है आपकी पेरियारिवर यहां से ओरिजिनेट होने के बाद वेस्टवर्ड फ्लो करती है एंड अल्टीमेटली खुद को ड्रेन कर देती है इन दरेबियन सी ठीक है ये खुद को ड्रेन करती है इन दी अरेबियन सी जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं सो फर्स्ट इज द शिवगिरी हिल्स फर्दर वी कैन सी यहाँ पे लोकेटेड है आपका पेरियार लेक और पेरियार लेक में जाके ये पेरियार रिवर का पानी मिल जाता है फर्दर आगे हम ये देखते हैं कि यहीं पे लोकेटेड है आपका पेरियार नेशनल पार्क जिसके बीचों बीच से फ्लो होती है आपकी पेरियार रिवर फर्दर ये रिवर जो है वो आगे जाती है और इसी के बैंक्स पे लोकेटेड है अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन केरला दैट इज कोची फर्दर ये रिवर आगे बढ़ती है जहां पे ये जाके मिल जाती है वेम्बनद लेक में और अल्टीमेटली खुद को ड्रेन करती है इन दी अरेबियन सी प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं दैट इज योर मुल्ला पेरियार डैम एंड अदर वन इज योर इडुक्की डैम ठीक है ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है मथिरफूजा मुलायर चेरुथोनी पेरंजाकुति और इस तरह से ठीक है बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं जो आके मिल जाती हैं पेरियार रिवर में अगर बात की जाए पेरियार रिवर की तो देखिए केरला में इट फ्लोज ऑल अक्रॉस दिस केरला और केरला का एग्रीकल्चर केरला का फॉर ड्रिंकिंग पर्पज इंडस्ट्री काफी हद तक डिपेंडेंट है पेरियार रिवर पे एंड सो इट इज ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ केरला दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर दैट फ्लोज अक्रॉस द केरला अब यहाँ पे लोकेटेड है दो डैम तो ये जो मुलायर रिवर है ये इस तरीके से यहाँ से आती है और ये मुलायर रिवर जहाँ पे आके मिलती है पेरियार रिवर से इन्हीं के कन्फ्लुएंस में लोकेटेड है आपका मुल्ला पेरियार डैम यहीं पे है आपका मुल्ला पेरियार डैम ठीक है इन द स्टेट ऑफ केरला फर्दर हम देखते हैं कि यहाँ पे कोची के पास में ही लोकेटेड है आपका लगभग uh, 36 किलोमीटर की दूरी पे मुल्ला पेरिया डैम से 36 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है आपका एक डैम जिसे कहते हैं इडुक्की डैम ठीक है अब ये रिवर अगर ओरिजिनेट केरला में हो रही है फ्लो केरला में कर रही है और ड्रेन कर रही है खुद को अरेबियन सी में तो इस पूरी पिक्चर में तमिलनाडु कहां से आता है बिकॉज ये पूरी हैसी जो है वो स्टेट ऑफ केरला और तमिलनाडु के बीच में है सो दिस मोलापेरिया डैम हैज ऑलवेज बीन बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू स्टेट दैट इज द केरला एंड द तमिलनाडु इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कोलोनियल एरा में ओके सो कोलोनियल एरा की अगर बात की जाए ट मींस ब्रिटिश रूल के टाइम की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे ना केरला था ना तमिलनाडु था ठीक है केरला और तमिलनाडु नाम की कोई स्टेट से ही नहीं उस समय पे क्या होता था ये जैसे हम केरला के नाम से जानते हैं इसे कहते थे प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रवन कोर प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रवन ओके और जिसे आप प्रेजेंट ये तमिलनाडु के नाम से जानते हो ये किसका रीजन था ये पार्ट था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी का क्ट कि होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है सो so हम बात कर सकते हैं कि लेट एटीन हंड्रेड में इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुआ था अब प्रॉब्लम क्या होती है देखो जब मानसून आते हैं ठीक है थीके? तो मानसून आते हैं यहां पर सबसे पहले हिट करते हैं हमारे वेस्टर्न घाट वाले रीजन को जिसकी वजह से जो वेस्टर्न घाट्स है वहां पे तो बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है बट यहाँ पे तमिलनाडु के कुछ रीजन ऐसे हैं ऑन दी रेन हैंडो रीजन एंड सो दे डू नॉट रिसीव दी रेनफॉल और रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल तमिलनाडु में बारिश कब होती है इस तरीके से जब पूरे ये आपके मानसून विंड्स आगे की तरफ बढ़ जाते हैं ठीक है फर्दर हम देखते हैं कि ये रिटर्न होते हैं यहाँ पे ये हिमालयास से टकराते हैं और यहाँ पे रिटर्न होना शुरू करते हैं वापस आते टाइम में ये बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर है वो उठाते हैं एंड अल्टीमेटली ईस्टर्न घाट से टकरा के रेनफॉल करवाते हैं इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन्हीं को हम ये जो लौट के मानसून बन जा रही हैं इन्हीं को हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून ठीक है रिट्रीटिंग मानसून सो कैन सी कि रिट्रीटिंग मॉनसून कब आता है ये आता है ठीक है सो दिसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेस्टर्न हार्ट हैमिलनाडु वाला जो रीजन है इसे रेनफॉल कब मिलती है बाई द रिट्रीटिंग मानसून जो कि अक्टूबर और डिसम्बर में होती है लेकिन प्रॉब्लम क्या है समर्स में जब सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है

त्रवनकोर के जो महाराजा हैं, वो ये इस डीट को दैट मीन्स uh, पेरियार लीज डीट दी, uh, जो है पेरियार लीज लीज डीट को साइन कर देते हैं और ये पेरियार uh, लीज डीट के तहत जो मुल्ला पेरियार डैम है वो ब्रिटिशर्स को uh, लीज पे दे दिया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ नाइन नाइनटी नाइन ईयर्स ठीक है स के लिए ब्रिटिशर्स को ये लीज पे मिल जाता है और ये लीज जो है वो कब साइन हुई थी इन दर एटीन एटी सिक्स में ये साइन हुई थी ठीक है यहां तक आप आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से कोलोनियल एरा के टाइम में महाराजा ऑफ प्रवण कौर ने ब्रिटिशर्स को ये मुल्ला पेरियार डैम जो है वो लीज पे दे दिया था फॉर 999 इयर्स इन द ईयर 1886 थ्रू दिस पेरियार लीज डीड उस समय से ये लो एज इट इज चला आ रहा है और आज भी ये जो डैम है वो लीज़ पे है तमिलनाडु के पास में दैट मीन्स ऑल दो ये डैम है कहाँ पे ये है केरला में लोकेटेड केरला में है बट इसे ऑपरेट कौन करता है इसे ऑपरेट करता है तमिलनाडु आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर अब देखिए यहाँ पे पानी डायवर्ट कैसे होता है और एरिड रीजन्स ऑफ तमिलनाडु जो है उन्हें इरिगेट कैसे किया जाता है तो यहाँ पे तमिलनाडु में ओरिजिनेट होती है एक रिवर जिसे कहते हैं वेगई रिवर और वेगई रिवर इस तरीके से फ्लो करती है ठीक है तो दिस इज रिवर जिसके बैंक्स लोकेटेड है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ तमिलनाडु दैट इज दाई जिसकी बहुत ज्यादा एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है बिकॉज संगम लिटरेचर हैज है इन मदुराई वी ऑल नो दैट एंड यहाँ पे टेम्पल्स जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है ओके okay, एनी तो ये है आपकी वैगई रिवर अब यहाँ पे जो पेरिया पेरिया uh, डैम है डैम में क्या होता है देखो ये कोई रिवर है तो यहाँ पे क्या किया जाता है यहाँ पे डैम बनाया जाता है दैट मीन पानी को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ गेट्स बनाए जाते हैं और फिर इस पानी को रोक के यहाँ एक रिजर्वायर बना के इस रिजर्वयर में कलेक्ट कर दिया जाता है फर्दर यहाँ रिजर्वायर में पानी हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है स्टोर करके रखा है इसे फर्दर यूज किया जाता है इरीगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए तो इस तरीके से इस पानी का यूज होता है तो यहाँ पे मुलापेरिया डैम जो है यहाँ पे बना हुआ है एक रिजर्वायर और इस रिजर्व में पानी जो है वो स्टोर किया जाता है और जब समर्स होते हैं जब पानी की रिक्वायरमेंट होती है तमिलनाडु में तो इस मुलापेरिया डैम से टनल्स बना के रखे हुए हैं चार बड़े टनल्स बनाए हैं जिससे पानी जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है कहाँ पे वैगई रिवर में ठीक है सो दिस इज योर वैगई रिवर जहाँ पे वैगई डैम भी एक बनाया हुआ है और इस वैगई रिवर में पानी जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है एंड फर्दर यहाँ पे कलेक्ट करके इस पानी को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में इरीगेशन के लिए पहुंचाया जाता है सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क अब एक बात बताओ तमिलनाडु क्या चाहेगा तमिलनाडु तो यही चाहेगा ना कि मैक्सिमम कैपेसिटी को मैं यूटिलाइज करूँ इस टाइम की जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो स्टोर किया जा सके अगर ज्यादा पानी स्टोर होगा तो गर्मी में ज्यादा पानी मिलेगा फार्मर्स को तमिलनाडु को बेनिफिट होगा तो तमिलनाडु हमेशा कोशिश करता है कि वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर कर पाए लेकिन केरला ऑब्जेक्ट करता है और ये सारी प्रॉब्लम कब शुरू हुई है ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है सब कुछ अच्छा चल रहा था प्रॉब्लम शुरू हुई है नाइनटीन के टाइम से अब नाइनटीन में ऐसा क्या हुआ इसे समझते हैं Uh, देखो एक चीज और आप लोग समझ लो यहाँ पे केरला को प्रॉब्लम क्या है वाटर लेवल अगर बढ़ाएगा तमिलनाडु यहाँ पे तो केरला के क्या कंसर्न्स हैं केरला पहली बात तो कहता है कि ये जो डैम है ये 126 इयर्स ओल्ड है ठीक है दैट स कोलोनियल एरा को बिलोंग करता है जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी और ये बहुत पुराना हो चुका है ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डैम फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और अगर ये डैम फेल होता है तो पूरे केरला में लगभग 3.5 मिलियन लोग जो है उनकी लाइफ जो है वो रिस्क पे है क्यों है क्योंकि हमें इसके लिए थोड़ा ज्योग्राफी समझना पड़ेगा देखो ये जो पेरियार रिवर है ओरिजिनेट हो रही है वेस्टर्न घाट में दैट मींस पूरा हिली रीजन है और हिल्स हैं तो यहां पे क्या होगा स्लोप भी होगा स्लोप किस तरीके से है इस तरीके से है ये वाला पूरा स्लोप दैट मीन्स जहां पे यह रिवर ओरिजिनेट हो रही है ये है आपका अपर स्ट्रीम ये रीजन क्या है ये है आपका अपस्ट्रीम रीजन और ये वाला रीजन जो है ये क्या है ये है डाउन स्ट्रीम रीजन ठीक है, में, कैसा है? थोड़ा इस तरीके से है स्लोप दैट मीन जहां ओरिजिनेट हो रही है मुलापेरिया डैम जहां पे है ये है आपका अपस्ट्रीम वाला रीजन और जहां पे ये रिवर फ्लो के इस तरीके से ड्रेन हो रही है ये है आपका डाउन वाला रीजन ठीक है अब होगा क्या कि अगर ये डैम कोलैप्स करता है ज्यादा वाटर स्टोर करोगे और क्योंकि ये इतना पुराना है तो हो सकता है ये कोलैप्स कर जाए जाए फेल हो डैम ठीक है तो यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर ये मुलापेरियार डैम जो है ये अगर कोलैप्स करता है तो अगर ये टूट जाता है तो पूरा का पूरा पानी क्योंकि यहाँ पे स्लोप बहुत ज्यादा है हिली रीजन होने की वजह से बहुत तेज स्पीड से बिल्कुल एक हाइड्रोलॉजिकल बॉम्ब की तरह ठीक है वर्क करेगा और बहुत तेज स्पीड से पानी जो है यहाँ स्लोप पे आना शुरू हो जाएगा इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट ये होगा कि जो यहाँ डाउन स्ट्रीम पे लोकेटेड है आपका कोची शहर ठीक है इनफैक्ट यहाँ पे जो आपका इडुक्की डैम है ये पूरा का पूरा पानी आके कहाँ पे भर जाएगा इडुक्की डैम में भर जाएगा एंड अल्टीमेटली ड्यू टू दी सो मच स्पीड यहां पे डैम जो है ये भी कोलैप्स होने के चांसेस हैं फर्दर पूरा कोची शहर जो है वो इफेक्ट होगा इससे तो लगभग सत्तर हजार लोगों की लाइफ जो कि मुलापेरिया डैम के आसपास रहते हैं वो तो रिस्क पे है ही अपार्ट फ्रॉम दैट 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो लोकेटेड आपका डाउनस्ट्रीम पे इडुक्की डैम है जब यहाँ पे पानी आ जाएगा तो इस ये भी कोलैप्स कर सकता है एंड अल्टीमेटली पूरा कोची शहर जो है वो सफर करेगा एंड अगर एस्टीमेट किया जाए तो 3.5 मिलियन पीपल की लाइफ रिस्क पे है दैट मींस लगभग 35 लाख पीपल जो है उनकी लाइफ यहां पे रिस्क पे है सो so, केरला के लिए ये तो बहुत ज्यादा हैजर्डस हो सकता है एंड अल्टीमेटली केरला क्या चाह रहा है केरला चाहता है कि यहां पे बहुत ज्यादा वाटर लेवल मेंटेन ना किया जाए ओके सो दैट इज डैम को कोलैप्स होने से बचा सकते हैं हम सो दिस इज द थिंग आई होप यू अंडरस्टूड दिस यहाँ तक सबको समझ में आया होगा कि केरला के लिए कितना डिवेस्टेटिंग हो सकता है अगर ये डैम कोलैप्स करता है सो so, सबसे पहला कंसर्न तो ये है कि 126 ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड है ये डैम दूसरा 3.5 मिलियन पीपल जो हैं उनकी लाइफ यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क पे है थर्ड एक स्टडी ने रिसेंटली ये भी बताया है कि ये बहुत ज्यादा सिज्मिकली एक्टिव रीजन में है सीस्मिकली एक्टिव रीजन में है दैट मींस ये एरिया जो है वो बहुत ज्यादा प्रोन है अर्थक्वेक से तो अर्थक्वेक्स अगर आएंगे तो वैसे ही ऑलरेडी ये डैम बहुत ज्यादा वीक है इसके कोलैप्स होने के चांसेस तो और ज्यादा बढ़ जाते हैं ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द मुलापेरिया डैम केरला के जो कंसर्न्स है ऑन दी अदर हैंड तमिलनाडु क्या कहता है तमिलनाडु कहता है कि हमें एक प्रॉपर वाटर लेवल यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है क्यों क्योंकि अगर हम प्रॉपर वाटर लेवल मेंटेन नहीं करेंगे तो गर्मी के टाइम में समर्स के टाइम में जब फार्मर्स को रिक्वायरमेंट होती है वाटर की तो हम उन्हें प्रॉपर वाटर जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे इरीगेशन के लिए अल्टीमेटली हमारा एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा इसको लेके लोगों के अंदर बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स कह सकते हैं बहुत लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं क्यों क्योंकि तमिलनाडु में लोग ये कहते हैं कि फार्मर्स कहते हैं कि हमें वाटर लेवल मेंटेन करना है क्योंकि हमें पानी चाहिए हमारी फसल के लिए हमारे क्रॉप्स के लिए ऑन दी अदर हैंड केरला के लोग ये कहते हैं कि आपके फार्मर्स के लिए हम अपनी लाइफ कैसे रिस्क पे रख सकते हैं हम कब तक ये डर डर के जिएंगे कि कब ये डैम को होगा और हमारी जान चली जाएगी तो इस वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो चली आ रही है नाउ uh, समझ लेते हैं बैकग्राउंड क्या रहा है ओवर द इयर्स जो डेवलपमेंट्स हैं वो क्या रहे हैं इसमें सो so, ये पूरी चीज जो है ये स्टार्ट होती है आपकी 1979 के टाइम से ठीक है 1979 में होता क्या है 1979 में एक बहुत ही लो इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है लगभग रिक्टर स्केल uh, पे फाइव से कम की इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये डैम जो है मुलापेरियार डैम यहां पे कुछ क्रैक्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं सो दिस डैम डेवलप सम काइंड ऑफ क्रैक्स ड्यू टू माइनर अर्थक्वेक अब ये पूरा इशू जैसे यहाँ पे क्रैक्स आते हैं तो ये पूरा इशू किसके पास में चला जाता है केरला इसको लेके चला जाता है सेंट्रल वाटर कमीशन के पास में तो ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन है ये कहता है कि ठीक है प्रॉब्लम uh, हो रही है अगर डैम में तो यहां पे वाटर लेवल को हमें कम कर देना चाहिए और सेंट्रल वाटर कमीशन ने ये कहा कि वाटर लेवल मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इस डैम की तो ये है आपकी वन ट्वेंटी फीट तक मैक्सिमम कैपेसिटी ठीक है यहां पे लेकिन सेंट्रल वाटर कमीशन ने कहा कि आप इसको कम करके वन फीट तक ही रखो ठीक जिससे कि डैम के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े इसके बाद में इन्होंने कहा कि यहां पे तमिलनाडु को रिपेयर वर्क करवाना पड़ेगा और एक बार जब रिपेयर पूरे हो जाते हैं तो वापस से ये फुल कैपेसिटी तक यू नो you know, वाटर लेवल को रेज कर सकते हैं 2000 की बात है तमिलनाडु कहता है कि हमने पूरे रिपेयर वर्क्स जो है वो करवा लिया है बट स्टिल केरला जो है वो हमें यहाँ पे वाटर लेवल को रेज नहीं करने दे रहा है ठीक है ये पूरी प्रॉब्लम चलती है और तमिलनाडु इस केस को लेके पे चले जाता है सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है सो so 2006 में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि तमिलनाडु जो है वाटर लेवल को 142 फीट तक रेज uh, कर सकता है क्योंकि uh, यहाँ पे कुछ कमिटीज फॉर्म हुई एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने पूरी चीजों को देखते हुए ये रूल uh, किया कि 142 फीट तक जो वाटर लेवल है उसको रेज कर सकते हैं लेकिन केरला गवर्नमेंट इसको अभी भी रेस्ट्रिक्ट कर रही थी और केरला गवर्नमेंट ने इन फैक्ट जो केरला का इरीगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एक्ट है टू का विच टॉक्स अबाउट द इिगेशन एंड दंजर्वेशन ऑफ वाटर इन केरला इस, इसमें एक अमेंडमेंट किया और इसमें अमेंडमेंट करने के बाद में रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो मुल्ला पेरियार डैम है वो एक एंडेजर एंडेंजर्ड डैम है दैट मीन्स ये कभी भी टूट सकता है और इसमें 136 फीट से ज्यादा वाटर लेवल नहीं होना चाहिए अगेन केरला जो की के गवर्नमेंट जो है वो तमिलनाडु को वाटर लेवल को रेज नहीं करने दे रही थी जिसकी वजह से तमिलनाडु का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा था तमिलनाडु में डिमांड हो रही थी कि वाटर लेवल को राइज किया जाए अल्टीमेटली वापस से ये सारी चीजें जो है जाती हैं जिसमें 2010 की बात है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एम्पावर्ड कमिटी जो है इसे कॉन्स्टिट्यूट करता है इसे अपॉइंट करता है अंडर द लीडरशिप ऑफ द फॉर्मर जस्टिस ए एस आनंद ओके ये आ, जो एम्पावर्ड कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट जो है वो देती है लेकिन एज ऑलवेज इंडिया में हमेशा रिपोर्ट्स जो है वो टाइम पे कभी सबमिट नहीं होती हैं तो काफ़ी साल लग जाते हैं लगभग 2012-13 के टाइम पे ये कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती है जिसके बेसिस पे 2014 में सुप्रीम कोर्ट रूल करता है कि केरला के का ये जो अमेंडमेंट है इन द इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एक्ट 2003 ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड केरला कुड नॉट तमिलनाडु फ्रॉम रेजिंग वाटर लेवल टू 142 फीट दैट मींस पे रीअफर्म किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वाटर लेवल जो है वो वन फीट तक जो है वो मेनटेन किया जाएगा बट स्टिल केरला गवर्नमेंट नेवर लेट इट हैपन 2018 का टाइम आता है जब हम देखते हैं कि केरला में हो जाते हैं बहुत ज्यादा फ्लड्स ठीक है और केरला में ड्यू टू दी हेवी फ्लड्स केरला वापस से जाता है किसके पास में सुप्रीम कोर्ट के पास में और सुप्रीम कोर्ट इस समय पे कहता है कि ठीक है अभी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे फ्लड्स की कंडीशन हो रही है इसलिए हम टेम्प्ररी बेसिस पे ये अरेंजमेंट कर सकते हैं कि वाटर लेवल को 139 फीट तक जो है ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए ठीक है सो तो ये जो 139 फीट uh, की लिमिट है ये सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दी थी फॉर दी टेम्प्ररी बेसिस दैट मीन टेम्प्ररी अरेन्जमेंट किया था क्योंकि उस समय ज्यादा हो रहे थेलाटर जो है वो अभी भी, uh, you know, अभी भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस में है कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन इसका हमें नहीं मिला है इसके बाद में काफी सारे पेटिशन जो है वो फाइल हुए हैं इन दी सुप्रीम कोर्ट अगर बात की जाए तो टू थाउजेंड ट्वेंटी में इसमें हमें एक और डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है जहां पे केरला का एक एनजीओ सुरक्षा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट यह चाहता है सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करने के लिए टू रिवोक दी लीज एग्रीमेंट ठीक है तो यहाँ पे अब डिमांड होने लग गई है कि तमिलनाडु अगर प्रॉपर जो भी उनके रिपेयर वर्क्स हैं वो नहीं कर रहा है और अबाइड नहीं कर रहा है लीज एग्रीमेंट से तो इस लीज एग्रीमेंट को रिवोक कर देना चाहिए क्योंकि ऑल दो ये अभी भी प्रैक्टिस में है बट दिस इज वेरी ओल्ड और एट प्रेजेंट इस डैम की कंडीशन नहीं है कि इसे कंटिन्यू किया जाए और इस डैम को पूरी तरीके से डीकमीशन कर देना चाहिए सो विद दिस डिमांड आज भी ये पूरा मुद्दा जो है वो ऐसे ही चल रहा है कोई इसका कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन नहीं मिला है सो दिस दीज आर ऑल दी डेवलपमेंट एज ऑफ नाउ फर्दर हो सकता है हमें डेवलपमेंट देखने के लिए मिले इस केस में बिकॉज रिसेंटली वापस से वही कंडीशन बन रही है ड्यू टू दी हैवी रेनफॉल हो सकता है कि वाटर लेवल ज्यादा रखने से डैम को लैप्स करने की कंडीशन बने एंड लेट्स सी वॉट हैपन्स इन दिस मैटर फॉर्द विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग दिस So this is all for now. Thank you everyone. Take care.